यानी गुनाहों की माफी का जरिया है, गुनाह माफ होना। हदीस में है कि आपने फरमाया, जिसने गुसल किया, फिर जुमे के लिए हाजिर हुआ, फिर उसके मुकद्दर में जितनी नफल नमाज थी पढ़ी, यानी मस्जिद में आके मस्जिद के नफल पढ़े वैसे पढ़े, फिर खामोशी से खुतबा सुनता रहा ताकि खतीब अपने खुतबे से फारिग हो गया, फिर उसके साथ नमाज पढ़ी, उसके इस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं और मजीद 3 दिनों के भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल जनाबत किया फिर नमाज के लिए चला गया तो गोया उसने एक ऊंट की कुर्बानी की, और जो शख्स दूसरी घड़ी में चला तो गोया उसने एक गाय की कुर्बानी की, और जो तीसरी घड़ी में चला तो गोया उसने एक सींग वाले दुम्बे की कुर्बानी की, और जो चौथी घड़ी में चला तो गोया उसने एक मुर्गी की कुर्बानी की, जो पांचवी घड़ी में चला तो गोया उसने एक अंडा अल्लाह की राह में दिया, और जब इमाम खुतबे के लिए निकल जाता है तो फरिश्ते जिक्र सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं, यानी वो लिखना बंद कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है नमाज वगैरह के अलावा, सिर्फ जल्दी जाने का रिवॉर्ड है ये। फरिश्तों का हाजिरी लगाना, क्योंकि फरिश्ते ये हाजिरी लगाते रहते हैं, जब इमाम खुतबे के लिए निकल जाता है तो वो अपने दफ्तर लपेट देते हैं और जिक्र को यानी खुतबे को गौर से सुनने लगते हैं। जुमे के लिए जाने वाले कदमों के लिए खुशखबरी। अबाया बिन रफा कहते हैं कि मैं जुमा के लिए जा रहा था कि रास्ते में अबू अबस रजी अल्लाह अन्हु से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसके दोनों कदम अल्लाह की राह में गुबार आलूद हो गए, अल्लाह उसे दोजख पर हराम कर देगा। हर कदम पर एक साल के रोजे और क़याम का सवाब। हर कदम पर कितना बड़ा अजर सवाब है। जिसने जुमा के दिन गुसल किया और कराया, अव्वल वक्त में आया, खुतबा में शुरू से हाजिर रहा, पैदल चलकर आया, सवार होकर ना आया। यानी ऐसी जगह भी होती है ना कि जहां पर मस्जिदें बहुत दूर नहीं होती या मौसम इतने सख्त नहीं होते, अब तो पार्किंग भी काफी दूर दूर जुमे के दिन करनी पड़ती है, तो वो जो कदम चले जा रहे हैं ना उस पर खुश हो जाया करें। इमाम से करीब होकर तवज्जो से खुतबा सुना, जल्दी भी पहुंच जाए तो जरा दूर गाड़ी पार्क कर लें, और खुतबे के दौरान फजूल हरकत ना की। इसे हर कदम के बदले एक साल के अमल यानी एक साल के रोजे और उसके क्याम का सवाब मिलेगा। ये प्रायोरिटी है ना, इसके ऊपर कई चीजें और छोड़नी पड़ती है तब आप इसको पूरा कर पाते हैं, वरना तो आप लेट हो जाते हैं, कभी रश में फंस जाते हैं, कभी पार्किंग नहीं मिलती तो वो एक रकत भी निकल जाती है, कभी आप दरवाजे से बाहर नमाज पढ़ रहे होते हैं। यानी कि अजर कमाना है तो फिर वक्त पर आना है। जुमा के दिन 5 काम करने वाले के लिए खुशखबरी। जो आदमी एक दिन में 5 उमूर पर अमल करेगा, अल्लाह उसे जन्नत वालों में लिख देगा। और वो क्या है? मरीज की तीमारदारी करना, जनाजे में शरीक होना, दिन का रोजा रखना, जुमा के दिन नमाज के लिए निकलना और गुलाम आजाद करना। अब इसमें यह कि ये 5 काम जुमे के दिन ही हो सकते हैं, और लेकिन जुमे के दिन का अकेला रोजा रखना मना किया गया। यानी अगर किसी का जुमेरात के साथ का इकट्ठा या हफ्ते के साथ का रोजा है, कोई कजा रख रहा है या वैसे ही कोई कफारे वगैरह के भी रख रहा है, अच्छा उस दिन सदका खैरात करना भी आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा अजर व सवाब का बायस है। तो इंसान जुमे के दिन की ना कुछ इस तरह की प्लानिंग करे कि उस दिन खास सदका भी करे और नहाए धोए भी और सारी ज़ेब-ओ-ज़ीनत और फिर तैयार हो और घर भी साफ सुथरा करे। ये एक एहतमाम नजर आए कि आज जुमा का दिन है।